नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लास्ट 5 साल में रियल नंबर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और किस किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन सब बुक के थे या क्वेश्चन रिपीट थे पेपर से। तो जो पहला पेपर है वो है 2019 का, और जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आपको इसमें HCF पता करना था, सॉरी LCM पता करना था, और वो बहुत छोटा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था वो आपका था कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657, और इसे जो सोल्यूशन है कुछ इस टाइप का था। हमने जो किया है, हमने दो चीज़ के लिए किया, पहला कि हमें इसे अपने स्कूल में जमा भी करना है, और दूसरा ताकि आपके लिए इसे अपलोड भी कर सके। और तीसरा क्वेश्चन था 2019 में ही, वो था कि आपको प्रूव कीजिए कि 2+5√3 इज़ इरेशनल नंबर। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी पेपर में आगे कि जो ये वाला क्वेश्चन है कि आप प्रूव कीजिए रूट रैशनल इरेशनल है, ये हर पेपर में आया है और ये कम से कम 3 से 4 नंबर में आता है, हर बार आता है, और क्वेश्चन जो है सेम रहता है, यही रहता है क्वेश्चन। अभी आप आगे देख लीजिएगा, आप आगे आप खुद समझ पाएंगे चीज़ों को। जो अगला क्वेश्चन था वो था कि यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 2048 एंड 960। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई कठिन बात नहीं थी। जो अब आते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल जो है 4 क्वेश्चन आए थे रियल नंबर से आपके बोर्ड में 2019 में। अब आते हैं 2018 में, तो पहला क्वेश्चन था उसमें वो था कि वॉट इज़ द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अगर आपको मालूम है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप इसे आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी, और ये जो है एक नंबर में आया हुआ था। तो हम आते हैं अब अगले पेज पे, ये भी क्वेश्चन जो है 2018 के लिए ही है। मैंने पहले भी कहा था कि जो ये वाला क्वेश्चन है प्रूफ कीजिए आप कि ये रैशनल है कि ये रैशनल है। देखिए ये 19 में भी था और 18 में भी है, और 17, 16, 15 सब में वाला क्वेश्चन आपको एक ना एक मिल जाता है। तो आप जो ये वाला क्वेश्चन है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपने इसे नोटिस की होगी कि हमने जो है इसे काफ़ी शॉर्ट मेथड से कर दिया है, बट जो आपकी बुक है या फिर जो अदर बुक्स आती हैं वो इसी क्वेश्चन को लगभग आधे से एक पेज में सॉल्व करती हैं, उसे P/Q में क्यू के फॉर्म में सॉल्व करती हैं, बट वो लंबा तरीका है, और जो ये वाला है ये शॉर्ट तरीका है। आप चाहें तो आप इस आंसर का जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने स्कूल के मैथ टीचर को दिखा दीजिएगा, तो वो भी कहें कि हाँ ये उसका जो आंसर सही है, और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन नंबर्स। देखिए ये आपका आसान नंबर है, ये आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे, बट एक बात ध्यान दीजिए, जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ये आपके NCERT बुक से ही लिया गया है, नंबर तक चेंज नहीं हुए हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट था सॉल्व करने के लिए। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए रियल नंबर से 2017 में कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं लिया गया था। हमने कई बार देखा कि कोई क्वेश्चन मिल जाए 17 में, लेकिन तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला, तो हमने इसी लिखा है कि नो क्वेश्चन वर दी देयर। अब आते हैं 2016 में, तो 2016 में जो है क्वेश्चन कुछ अलग फॉर्म में था। वो था कि एक्सप्रेस 23150 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इट इज़ पॉसिबल। तो हमने इसका आंसर जो है दे दिया है, आप चाहें तो आप आंसर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इस पेपर का जो है इस पेज का PDF फॉर्म चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसे PDF फॉर्म में देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2016 वाले में, तो यहाँ पे दिया था कि स्टेट वेदर द रियल नंबर 52.0521 इज रैशनल और नॉट। इफ इट इज रैशनल नंबर एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर कोर प्राइम इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, कैन यू से दैट अबाउट प्राइम नंबर ऑफ Q। तो हमने इसे सॉल्व किया था, और ये एक जो है रैशनल नंबर है। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि 16 का ही था। तो जो पहला अगला क्वेश्चन था वो था कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 3930 एंड 1800 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने इसे सॉल्व किया था। अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि था प्रूव दैट, या देखिए यहाँ पे भी 16 में भी आपका एक क्वेश्चन आ गया कि आप प्रूव कीजिए कि ये रैशनल है या इरेशनल है। बट एक प्लस पॉइंट ये है हर क्वेश्चन में जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऊपर दिया रहता है क्वेश्चन कुछ कि जो रूट 5 है वो रैशनल या इरेशनल है, यहाँ पे कहीं रहता है कि जो 3 है वो रैशनल नंबर है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट सॉल्व करने के लिए कि हाँ आप इससे क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये दिया हुआ है, बट आपको प्रूव ये करना है सो दैट 3+2√5 इज़ ऑल्सो एन
ई रेशनल नंबर। तो अगर आप करते हैं इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो आपका जो आंसर है वो एटलीस्ट कम से कम एक पेज तो लेता है। बट हमने इसे इस तरीके सॉल्व किया है कि हमारा महज चार लाइन में सॉल्व हो गया है। तो मैं आपसे, अगर आपको कोई शक है इस आंसर पे, तो अपने टीचर को वेरीफाई करा सकते हैं वाला आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है 2015 का। तो आपने नोटिस किया होगा कि रियल नंबर से काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं बोर्ड में। लगभग हर साल जो है रियल नंबर से 3 से 4 क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से तय कर लीजिए क्योंकि चैप्टर काफ़ी छोटा है और क्वेश्चन जो है काफ़ी उठाए जा रहे हैं इससे। 2015 का जो क्वेश्चन था यहाँ भी आ गया है कि सो दैट 3√7 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने इसे भी मात्र चार लाइन में सॉल्व कर दिया है। और फिर से वही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसे वेरीफाई करें तो आप इसे अपने टीचर से वेरीफाई करा सकते हैं। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे याद है, ये मैं पढ़ता हूँ अभी उसे। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमने इसे सॉल्व करके बताया हुआ है कि ये जो है कंपोजिट नंबर क्यों है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है 15 वाले में। तो 15 का ये अगला क्वेश्चन है, वो है कि फाइंड HCF ऑफ द नंबर 1347916341 एंड 6339 बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसका कुछ जो सोल्यूशन था कुछ इस टाइप का था, आप देख लीजिएगा। और चाहते हैं अगर आपको इसका PDF फॉर्म मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप इसे वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो शायद हाँ, देखिए जो आपका ये वाला पेपर है ये मैं कल अपलोड कर दूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये वाला पेपर मिल जाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम जो कल अपलोड करेंगे वो है पॉलीनोमियल के कुछ पेपर्स। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर और बोर्ड पेपर में कुछ कॉमन चीज़ें निकाली थी कि कितने क्वेश्चन कॉमन है, कितने क्वेश्चन सेम है और कितने क्वेश्चन जो है एटलीस्ट सेम है। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप वहाँ से उसे वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं पॉलीनोमियल वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।